Thank you. Thank you. Okay. Thank you, thank you. Scott. Are you Apuchi? Apuchi? Good to see you guys. बहुत अच्छा लगा देखकर. Thank you so much. ये सब इस इंतजार का भाई फाइनली आ गए. Thank you. क्या कुछ बताएं भाई गाने के बारे में? जैसे कि आपने वीडियो देखी कल रिलीज हुई है और मैंने खुद पहली बार देखी कल क्योंकि शूट करके तो बहुत मजा आया था और मिया has been an amazing co-actor. बहुत बहुत मजा आया शूट करके और मोहम्मद सर की जो आवाज़ है वो तो सबको पता ही है, उनके हम सब फैन हैं. तो जो पूरा जो मिक्स होके गाना जो आउटपुट निकला, आई थिंक बहुत अच्छा निकला है. बाकी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज एकदम बढ़ रहे हैं. तो बस पार्ट टू की वेट कर रहे हैं, अभी कब आएगा बताइए सर. मिया आप क्या कुछ कहेंगे? Yeah, मतलब it was amazing working with everyone. With Rohan, obviously, I've seen him working, so he's amazing actor. And my favorite part is Mohammed Irfan's voice and Sanjeev sir's composition. It's brilliant and that takes the song to another level. So yeah, for me, it's like I really enjoyed working with Rohan. So yeah, I'm just hoping that people give us more love and support. That's all. सर आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी आवाज़ से भी इतना सारा प्यार मिल रहा है, ऑडियंस से भी मिल रहा है. क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको. आप सबको थैंक यू फॉर कमिंग हियर. थैंक यू संजीव जी के इतना खूबसूरत गाना आपने बनाया और मुझे इस गाने के लिए बुलाया. थैंक यू निया, थैंक यू रोहन के इतना प्यारा गाना बनाया. वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम रियली सॉरी, मैं अभी देखूँगा, आज देखूँगा, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला. बट द रशेस तो मैंने देखे, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इस गाने को बहुत सारा प्यार मिले. अगर बात करूँ शूटिंग के दौरान कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, कोई याद है? बताओ नहीं. आई तो हैड फन. हाँ, मुझे याद है बहुत फनी जो इंसिडेंट हुआ था. तो हमें, हम बाहर जब काउच पे बैठे थे तो हमें ऐसे आग करना था कि बहुत हम ठंड में हैं, कोजी हो रहे हैं और ब्लैंकेट हमारे ऊपर एक ओढ़ दिया गया था. बट उस दिन सुबह सुबह इतनी गर्मी थी तो हम लोग वी वर स्वेटिंग एंड ऑल और कॉफी भी पीनी थी हमें. मैं कॉफी भी बना रहा था, गरम कॉफी. तो वो काफी फन था. और लाइक वी हैड टू प्रिटेंड कि बहुत ठंड है बाहर एंड वी वर एक्चुअली स्वेटिंग. सो या वो काफी फनी था. एंड वन मोर पार्ट व्हिच आई वांट टू डिस्कस, व्हेन वी वर डूइंग द कार सीन व्हाइल ड्राइविंग, वो इट वाज अ स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल. या 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 क्योंकि हम वहां पे एक नैरो सी जगह थी और मुझे इनको देखना भी था, एक्ट भी करना था. डर लग रहा था कि गाड़ी इधर ना हो जाए. पुरानी जीप थी. हां, बट आई फील यू नो ओवरऑल द एंटायर टीम वाज ग्रेट. डायरेक्टर सर, आनंद सर डिड ग्रेट जॉब. मिस यू आनंद सर, वी मिस यू. वी मिस यू. या सर इज नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट हियर. But yeah, we miss him and the way director sir and DOP sir created the entire video, it came out so well. And the team was like so peaceful and chilled out. We didn't even feel that we were working. It was like we are like chilling. Dance sequence was also amazing. Amazing, yeah, yeah, yeah. पूरा इन्होंने ही कोरियोग्राफी की थी उस गाने की, उस डांस सीक्वेंस की. Yeah. तो आई थिंक शी इज मल्टी टैलेंटेड. और अब सिंगिंग में भी आप ये जो लेजेंड्स बैठे हुए हैं इनके सामने मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी सिंगिंग के बारे में. सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस. आई थिंक मैम गाने नजर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पे गाने में मिलते हैं, लेकिन इस गाने में ऐसा क्या जो बाकी गाने से अलग बनाता है? आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू आंसर वुड बी संजीव जी. यस, ही इज द कंपोजर लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग. उन्होंने क्रिएट किया इस गाने को. सो संजीव जी बताइए. एक्चुअली क्या होता है ना, गीत अकेला आदमी बैठ के बना सकता है पर संगीत वो संगत में बैठ के बनता है. एंड संगीत की फुल फॉर्म ये होती है संग बैठ के गीत बनाना, दैट इज़ कॉल्ड संगीत. एंड आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि गीत हर आदमी अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करता है. ये किसी कवि की कल्पना होती है तो इसीलिए कविता की फुल फॉर्म भी ऐसी होती है, कल्पना विचार और तालमेल का भी था. तो इस गाने में हम तुकबंदी से अलग हटके एक थॉट हमने बनाया. मेरी आँख हम लड़खड़ाए हैं कदम, तुझ मेरी है कसम लौट आ, ये जुदाई का सितम तोड़ देगा मेरा दम. तुझ मेरी है कसम लौट आ, कि तेरे बिना जीना बेईमानी
कर दे तू मेहरबानी फिर लौट के तू आ जा मेरी जान। इतनी सिंपल हमिंग है, आप लोग जो सुनोगे इसको ईजिली गा पाओगे। एंड मोस्टली गीत या संगीत वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है जिसको वो बहुत ईजिली गुनगुना सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे गीत ऐसे संगीत की तरफ मैं चलूँ कि लेमैन भी उसको बहुत ईजिली गा सके। हालांकि गीत बहुत बड़ी चीज़ है एंड मोहम्मद इरफान इज एन अमेजिंग सिंगर। अमेजिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए। जब ये गाना गाते हैं तो होता कई बार ऐसा होता है जब संगीतकार गाना गीत बना के लेके जाता है तो कंपोज़र उसको चार चांद लगाता है, तो इन्होंने उसमें वो काम किया। एंड मैं कंपोज़र के साथ साथ बिग फैन ऑफ हिम। एंड रोहन ने निया ने बहुत अच्छा इस वीडियो को किया है, डायरेक्टर साहब आनंद साहब ने बहुत अच्छा वीडियो ओवरऑल हर पिलर जो है अपनी एक वैल्यू रखता है, तो सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड आप सबसे भी ये किया है कि प्लीज़ इस गाने को और थोड़ा सपोर्ट करना। मीडिया है ना, अगर सपोर्ट करती है तो गाना बहुत बड़ा बनता है। आपका हाथ जो है ना, आपको पता नहीं भगवान के हाथ जैसा होता है, अगर पुश कर दे तो गिरा दे, पुश कर दे तो उठा दे, तो प्लीज़ पुश फॉर अपवर्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट इट्स वेरी रिलेटेबल, ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यू नो इमोशनल भी है और हार्ट ब्रेक पे भी है। हमारी स्टोरी अलग थी कि मैं आर्मी में होता वो है कि मतलब आई एम नो मोर इन द स्टोरी, वो अलग चीज़ थी। बट अदरवाइज यू नो लोगों के आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सब लोग रिलेट कर सकते हैं। और बहुत ही सूदिंग लिरिक्स भी है उसके, बाद आवाज़ तो है। और एंड नॉट टू फॉरगेट हितेश एंड संदीप जी जिन्होंने यू नो कास्टिंग से लेके लाइन प्रोडक्शन तक किया, बहुत बड़ा इनका भी हाथ है पूरे गाने की एग्जीक्यूशन टीम। सो या थैंक यू सो ज्यादा रिवील, सब लोग बैठे हैं कॉन्फ्रेंस है, देखना था वीडियो सर, अभी हम दिखाएंगे आपको सबके सामने, मतलब सॉरी रिवील हो गई, सब लोग बैठे हैं और कुछ सिंगर यहां इस टाइम प्रेजेंट हैं, तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट टू मोहम्मद भाई प्लीज सर प्लीज। और हम एक्टिंग करते सर, आई विल प्रोग्रेस 12-15 दिन से ट्रैवल करके आया हूं, सो आई विल प्रोग्रेस आई विल ट्राई, मेरा गला ठीक नहीं उतना बट के तेरे बिना जीना बेईमानी कर दे तू मेहरबानी के लौट के तू आ जा मेरी जान, लौट के तू आ जा मेरी जान। प्लीज़ हमारा नया गाना मेहरबानी रिलीज़ हुआ है, इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई होप यू ऑल लव दिस सॉन्ग एंड सेंड अस ऑल योर लव। बेनेडिक्शन फिल्म्स का ये गाना है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है बेनेडिक्शन फिल्म्स, उस पर प्लीज़ जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमें प्लीज़ कमेंट्स में बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नहीं है ज़्यादा।